किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का कानूनी वारिस बनने के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिससे कि प्रॉपर्टी के आप कानूनी उत्तराधिकारी बनते हैं, प्रॉपर्टी विरासत में आपके नाम पर आ जाती है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी को विरासत में लेने का एक अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके पिताजी की या किसी की भी डेथ हो चुकी है और आप उनके उत्तराधिकारी हैं और आप उत्तराधिकार में उनकी प्रॉपर्टी विरासत में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तराधिकार या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वेल, सक्सेशन सर्टिफिकेट से बस केवल आप ये जरूरी नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर या उस प्रॉपर्टी की विरासत में आपको दिया जा सकता है, इसके लिए और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, जो कि उसके और भी उत्तराधिकारियों अगर कोई है जो कि आपत्ति करता है तो उसके द्वारा दी जाएगी। इसके बाद होता है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, और इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना होता है, तब जाके आप किसी मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी को विरासत में पा सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु बिना किसी वसीयत निष्पादित किए, बिना किसी दान पत्र को बनाए, बिना किसी प्रॉपर्टी को डिवाइडेशन या पार्टीशन किए हुए हो जाती है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी को पुत्रों के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए या तो डेड म्यूटेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर डेड म्यूटेशन के तौर पर अगर अंचल कार्यालय में डिमांड की जाती है सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की, तो आपको कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होता है, तो ही प्रॉपर्टी विरासत में पिता से आपके पुत्रों के नाम पर ट्रांसफर होती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको कोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ता है। 45 डेज के अंतर्गत कोर्ट से नोटिस तामील की जाती है। नोटिस में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में, तो वो अपनी आपत्ति वहां पर कोर्ट में पेश कर सकता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने की प्रोसेस क्या होती है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसके लिए जरूरी शुल्क क्या होती है, आज की इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत कब पड़ती है, क्योंकि अगर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं समझ में आएगी तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्यों बनवाएं, इसकी भी क्या जरूरत है। सबसे मेन बात है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत कब होती है, जब आपको किसी मृतक आदमी की प्रॉपर्टी को विरासत में लेना होता है, अपने नाम पर कराना होता है, तब आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपको इस बात के लिए इंगित करता है या इस बात के लिए आपको परमिट करता है कि ये इस आदमी का कानूनी वैलिड उत्तराधिकारी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके पिताजी की डेथ हो जाती है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी आप हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने एक सक्षम सिविल कोर्ट में या फिर उसके जो हाई कोर्ट है उस पर आपको एप्लीकेशन करना होता है। वहाँ से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होता है अपने जिस भी आदमी के वारिस होने का आप बनवा रहे हैं, जो भी मृतक है उसका आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है। साथ में आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है, तब जाके आपको याचिका दायर करनी होती है सिविल कोर्ट में, तब जाके आपका सक्सेशन लेटर 45 डेज के बाद इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर आप ये सारी प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप एक एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आप एक याचिका कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में दे सकते हैं, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करके भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले तो जब आप कोर्ट में एक याचिका फाइल करते हैं, यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, एक केस रजिस्टर कराते हैं, तो वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट विधिवत तरीके से पेश करने होते हैं। कोर्ट पर दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, जैसे कि आपका मरने वाले से क्या रिलेशन है, आप उनका डेथ सर्टिफिकेट एक सही प्रूफ में है या नहीं है तो वो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आप क्यों उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है आपको, ये चीज आपको वहां पर देनी होती है। याचिका आप एक लिखित तौर पर दे सकते हैं, लिखित तौर पर याचिका के साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इनक्लोज करके देना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें इंटरनल प्रोसेस कैसे होती है। जैसे आप एक याचिका सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं, सिविल कोर्ट के द्वारा 45 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस तामील की जाती है, एक इश्तेहार प्रकाशित किया जाता है सारे लोगों को, जिसमें से ये बताया जाता है कि इस आदमी के द्वारा इस आदमी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का एप्लीकेशन या याचिका कोर्ट में दी गई है। जैसे कि ए ने बी से विरासत में प्रॉपर्टी लेने के लिए बी की मृत्यु हो गई, तो ए ने याचिका फाइल की कि मुझे बी का विरासत प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए। तो इसमें ए जो भी याचिका करेगा सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट पूरी
उनके परिवार को और साथ में उस शहर में सभी लोगों को नोटिस शामिल करेगा या इश्तिहार करेगा, जिसमें से ये होगा कि अगर किसी को इससे संबंधित कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट में आकर एक एक्शन ले सकता है या फिर इस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है। अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन लेता है तो इसको एक वैलिड रीजन पेश करना होता है कि आखिर इसके पीछे का वैलिड रीजन क्या है। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ कर देता है कि आप इसके वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है, कोई दूसरा इसका वैलिड उत्तराधिकारी है, तो ऐसे में आपका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनने के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी की वहां पर आपत्ति नहीं आती है तो आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यानी कि अगर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है तो जो भी मरा हुआ आदमी है उस पर ये आपको कानूनी रूप से अधिकार मिल जाता है कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं, आप उसके विधिक वारिस हैं। इस बात को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पूरी तरह से सर्टिफाइड कर देता है। सो अगर आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना है तो याचिका कैसे दायर करनी है सिविल कोर्ट में, इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और अगर आपको डिटेल में चाहिए कि कैसे याचिका बनानी है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में वीडियो एक डिटेल में बना के बता दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, या फिर आप एक अपने एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको धोखाधड़ी या फिर ऐसी किसी भी रास्ते का उपयोग नहीं करना है कि आप किसी भी दूसरे के नाम का वारिस प्रमाण पत्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराएं, क्योंकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन भी लेता है, अगर कोर्ट पे कोई अपील करता है इससे रिलेटेड, आपके फर्जीवाड़े का अगर वहां पर स्कैम का पता लगता है तो आपके ऊपर मानहानि साथ में साथ आपकी कार्रवाई 2 साल की सजा और जुर्माना या सजा जुर्माना दोनों आपको हो सकता है। इसलिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने में आप फर्जीवाड़ा बिल्कुल न करें। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।